हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए आज थाना कोर्ट में नौरा शेख के जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट तमन्ना, बात करते हैं इनसे। मैडम आज क्या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है? आज जो है केस नंबर 3 ऑफ कश्मीरा पुलिस स्टेशन और केस नंबर 4 ऑफ नेरुल पुलिस स्टेशन पे आर्ग्यूमेंट्स थे। हम लोगों ने रिप्रेजेंट किए कंपनी को बहुत अच्छी तरह से, सारे जो फैक्ट्स थे सब कोर्ट को बता दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स है उसके ऊपर से हम लोग ने बोले कि अच्छे जजमेंट दिखाए। हाँ, बहुत सारे जजमेंट दिए लेकिन उसमें से सबसे जो मेन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक जजमेंट में है कि अंडरटेकिंग अगर हम फाइल करते तो उस हिसाब से हमको बेल दे देना चाहिए। तो वी आर होपिंग कि एक जजमेंट बहुत अच्छा था जिसमें ये था कि अंदर रख के फायदा नहीं, एंड ये वो जरा उसके बारे में बताएं। यही कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसको अंदर रख के, तो बिजनेसेस बंद हो गए, अभी प्रॉफिट्स देना है, रिटर्न्स देना है, तो बेहतर है उनको अंदर रख के कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो उनको बाहर लेके आया था। और एक पैन कार्ड जो फ्रॉड था 7,000 करोड़ का, उसमें भी बेल हुई है जी। उसमें तो एबीए ग्रांट किया गया है, एसटी सूर सर जो है सेशंस कोर्ट के, उन्होंने ही एबीए दिए है। उसमें ऑलमोस्ट 5,007 करोड़, मोर देन 5,007 करोड़ का स्कैम है वो, तो उसमें भी एबीए मिला है। तो कंसिडर ऑल फैक्ट्स, हम लोग ने सब चीजें जो कंपनी की थी और साइटेशन थे उसके ऊपर सब फैक्ट्स हम लोग ने कोर्ट को बोल दिए, तो सेकंड के लिए ऑर्डर के लिए रखा है इंशाल्लाह। कितनी कंप्लेंट थी काशीमेरा और टोटल अमाउंट क्या था काशीमेरा और नेरल दोनों? टोटल अमाउंट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन अभी तो उन लोगों ने मोर देन 5 करोड़ दोनों इसमें बताया। 5 करोड़, मतलब उससे भी ज्यादा, मतलब अटैच हो रहे कंप्लेंट। आपने क्या कहा जिसको कि हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारे अकाउंट में पैसे है, बिजनेस चल रहा है? नेरुल पुलिस स्टेशन ने खुद से 39.40 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है, तो और तकरीबन 40 करोड़, मोर देन 40 करोड़ ही है। उसके बाद अपने जो निजामपुरा वाले हैं उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दिखाए हुए हैं, फिर अपने काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने मोर देन 4 करोड़ आज उन्होंने सेफ फाइल किए थे उसमें था, फिर सीसीएस हैदराबाद ने मोर देन 250 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ये तो सिर्फ गवर्नमेंट वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू होती है सेलिंग वैल्यू उससे डबल है, ऑलमोस्ट डबल समझिए। तो कोर्ट को हमने यही कहा कि ऑलरेडी हमारे अकाउंट भी फ्रीज है, उसमें 25 करोड़ है जैसा वो लोग बोल रहे पुलिस वाले कि तुम्हारे अकाउंट में है, और जो अदर प्रॉपर्टीज है जो इतनी सारी है मोर देन 300-250 करोड़ तो ऑलरेडी अटैच हो चुकी है। एक बात एक समझ में नहीं आती आपकी पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट में, आपने ये कहा था कि जितने सारे इन्वेस्टर्स हैं वो उससे ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी, सारे इन्वेस्टर, तो खाली आपने कंप्लेन की बात की थी कि सारे इन्वेस्टर की बात? सब लोगों की। हम कंपनी हमेशा देखिए सबके बारे में सोचेगी, कंप्लेनेंट और नॉन कंप्लेनेंट कंपनी के लिए अभी भी एक ही है। तो यानी 300 करोड़ की खाली मतलब इन्वेस्टर है, ये तो गवर्नमेंट वैल्यू है और 31 प्रॉपर्टीज अटैच हुई है, 90 प्रॉपर्टीज और आइडेंटिफाइड करना बाकी है, अभी भी हैदराबाद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आपका कहना ये है कि जितनी प्रॉपर्टीज है उस और जितने सारे इन्वेस्टर्स है उसके हमारे पास उतनी प्रॉपर्टी है, इन आपके कोर्ट में सबमिट किया था। और आपने ये भी बताया 4-4 महीने का जो है वो आपने एफिडेविट दिया है जो ऑलरेडी हम लोग ने ये सबमिट कर चुके हैं हैदराबाद सेशंस कोर्ट में, और आज यहाँ पे भी अंडरटेकिंग दी है कि 25% ईच 4 मंथ्स में 16 मंथ में हम लोग अगर जिसको विड्रॉल चाहिए जो रखना चाहते हैं कंपनी फिर से रीस्टार्ट होगी और इंशाल्लाह अपने बेनिफिट्स। क्या लगता है जज कितना इंसलाइन में जितना? अच्छा हाँ, एक इंटरवेंशन आया था किए किसी एडवोकेट ने इंटरवेंशन का? हाँ, अलाउड हो गया? अलाउड नहीं किए हैं, सिर्फ लेके रखे, अभी वो देखेंगे सब पेपर्स। अच्छा, बेल अपोज करने आए थे जी। अच्छा, अब उनके क्या ग्राउंड्स थे, उन्होंने हम लोगों को नहीं पता। आर्ग्यूमेंट से क्या लगता है आपको, मतलब क्या एक जजेस को हर एक क्वेश्चन से सेटिस्फाइड आंसर तो दे दिए इंशाल्लाह, सेकंड को ऑर्डर के लिए रखा है, देखते हैं इंशाल्लाह। 24 को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इंशाल्लाह, दुआ कीजिए। 24 तारीख को 24 तारीख का हाईकोर्ट में क्लबिंग के लिए मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया।